भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो आप लोग आज मेरा वीडियो को एंड तक देखे रहना। भाई लोग आज मेरा एग्जाम है असम का, वो 26,000 असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का वो एग्जाम है। तो अपन इधर ट्यूशन कर रहा था, तो ट्यूशन खत्म हो गया है। ट्यूशन खत्म होने के बाद ये गेट बंद कर लिया, तो गेट मतलब खिड़की बंद कर लिया यार, खिड़की बंद कर लिया। अभी इधर दरवाजा बंद करना है, उसके बाद ताला लगाना है। इधर से अपना साइकिल से जाऊंगा, क्योंकि मुझे साइकिल से जाने से मनी सेविंग होगा। जो भी सेविंग होगा मैं उससे सेविंग से मैं खा लूँगा, अपना भर पेट खाऊंगा। लेकिन ये कार वाला, बाइक वाला या फिर उनको पैसा नहीं देने का मेरे को, ठीक है, अपना पैसा अपने पास रखने का। इसलिए अपन जाएंगे अपने बाईसाइकिल से, शुरू करते हैं। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इधर हम क्लास 4 तक पढ़ाई किया, तो इधर जो देख रहा है इधर हमको पढ़ने को नहीं मिला है। इधर खाना बनाने वाला किचन है। तो गाइस फाइनली 10:01 हो गया है, मेरे बजे अभी टाइम 11 नहीं बजा है, 10 बज गया है। बारिश भी नहीं है और धूप भी नहीं है, ना मुझे गर्मी लग रहा है ना मुझे ठंडी लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा है साइकिल चलाने के लिए यार। पूरा का पूरा असम का फार्मर लोग बारिश का इंतजार कर रहा है, लगता है आज उनको पानी मिलेगा, उनका ख्वाहिश पूरा करेगा भगवान। देख लो यार, नलबारी स्टेशन का टॉयलेट मोमो धो लिया, उसके बाद इधर पानी नहीं आता यार, ये खराब है यार। कुछ रखा हुआ है तो उस तरफ मिरर रखा हुआ है, यह टैप खराब हो गए, पानी नहीं निकलता यार। तो यहाँ पर सुसु करने का है, पानी निकलता है, तो ये भी पानी निकल रहा है, अच्छा है। टॉयलेट क्लीन है, अच्छा है। ये तो खराब हो गया है।
टॉयलेट पर कपड़ा सेंस कर लिया हो, अगर इधर से नहीं निकलाना स्टेशन से, मुझे फोन पे फोन आता रहेगा, पूरा का पूरा रिश्तेदार फोन करेगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि भैया फोन कर चुका है और मेरा मामा जी फोन कर चुका है। अभी वो क्या बोलता है, मेरा पापा का बहन को पता लग जाएगा तो वो भी फोन पे फोन करेगा। इसलिए मुझे अभी सिर्फ एक घंटा पहले या फिर डेढ़ घंटा पहले ही उधर से अंदर पर पहुँचना होगा। रेस्टोरेंट में गया था, इतना सारा आदमी हुआ, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। उधर नहीं खाया, बाजू वाला होटल में से खा के मैं चला आया, परथा खा के चला आया। वो भी मेरा साइकिल लाने का बेनिफिट बहुत सारा हुआ है, जैसे कि मैं कुछ नया रास्ता से मैं घर पहुंचना चाहता हूँ तो मैं नया रास्ता से आ गया हूँ, मैं फाटेकुसी होके आ गया हूँ, फाटेकुसी से मेरा उधर घर पहुँच जाएगा। साइकिल से आने का फ़ायदा यह है, और मुझे भाड़ा नहीं भरना पड़ा किसी ना, मैंने किसी को भाड़ा दिया, सिर्फ बैग का भाड़ा दिया है। वहाँ पर मोबाइल था, एक दुकानदार को दिया है 30 रुपया, टोटल मैंने 200 रुपया लाया था, 200 में से अब मेरा जेब में 100 रुपया बसा है, 100 रुपया खलास हो, 6 रुपये दे। बाकी आपको एग्जाम का हाल चाल मत पूछो यार, ऊपर वाले ने आँख खोल के देख लिया तो देख लिया, देख नहीं लिया तो तू तो गया बेटा, ऐसा ही हुआ है। एग्जाम का हाल जो ऊपर वाले देख लिया ना तो अच्छा होगा, नहीं देख लिया तो समझ ही गया होगा आप लोग, वही ऐसा वाला एग्ज़ाम। तो आज का वीडियो यही एंड करता हूँ, तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो हाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लाइक बटन को शेयर कर दें, लाइक बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।